नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कचहरी परिसर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव कसेरवा के दर्जनों ग्रामीण एक दुखदायी पिता संग ग्राम प्रधान अखलाक अहमद के साथ पहुंचे और एक प्रार्थना पत्र एसएसपी महोदय के नाम सौंपते हुए बताया कि उनका पुत्र तस्वर, जिसकी आयु 17 वर्ष है, वो बिजली फिटिंग का कार्य करता है। दिनांक 29 नवंबर 2020 को वो घर पर खाना खाने के लिए आया था। उसके पास वसीमा पुत्री उमर फारूक निवासी ग्राम साजक, जिसकी शादी कसरेवा में ही इरशाद पुत्र शौकत के साथ हुई है, जो अपने मायके साजक में गई हुई थी। उसने फ़ोन कर बताया कि उसके यहाँ कुछ बिजली फिटिंग का कार्य करवाना है। ग्राम साजक आ जाओ, जिस पर तस्वर 4 बजे के आसपास घर से चला था। बरवाला गेट के पास पहुँचने के पश्चात बस से उतार कर वसीमा के घर जाने लगा, तो पहले से ही रास्ते में घात लगाए बैठे ताले पुत्र साजिद, उमर मोहम्मद पुत्र साजिद, हकीम पुत्र इसबदीन ने अन्य लोगों के साथ मिलकर जबरन ईख के खेत में खींच लिया और उसके साथ मारपीट करते हुए उसका मोबाइल छीन लिया। देर रात्रि तक भी उसके घर वापस न पहुंचने पर हम लोगों ने उसे काफ़ी तलाश किया, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल पाया। ठीक उसी समय इकबाल पुत्र महरुद्दीन ने हमें बताया कि जब वो मुजफ्फरनगर से वापस घर जा रहा था, तो रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग तस्वर के साथ मारपीट करते हुए ईख के खेत में लेकर जा रहे थे, जिस पर मेरे द्वारा अन्य लोगों के द्वारा उसे छुड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन उक्त लोगों ने तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने को कहा और हमें वहां से भगा दिया। हमें शक है कि मेरे पुत्रों को इन लोगों से जान से मारकर उसके शव को खुर्द बुर्द कर दिया है या उसके शव को कहीं छिपा दिया है, जो आज तक नहीं मिल पाया है। इस संबंध में हम लोगों ने थाना शाहपुर पर भी प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन अभी तक ना तो कोई मुलजिमान पकड़ में आया है और ना ही उन लोगों से मेरे पुत्र के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है, जबकि शाहपुर पुलिस के द्वारा उक्त आरोपियों के कब्जे से मेरे पुत्र का मोबाइल भी बरामद किया हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र के इन दबंगों से सकुशल वापसी हो और इन दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी, क्या नाम है आपका? आसम मोहम्मद जी। आसम मोहम्मद जी कहाँ के रहने वाले हो? कसेरवा। क्या मामला आपको? जब जी मेरा लड़का कसेरवा से सांझक बुलाया था 29 तारीख में, और वहाँ 4 बजे आया था वो, और आज तक मेरे लड़का कोई पता नहीं, 25 दिन हो लिया मेरे लड़के को, और उन्होंने पता नहीं मार दिया कहीं या कहीं गाड़ दिया या क्या कर दिया। मैंने रिपोर्ट भी लिखवा दी, सारे काम करवा दिए, कोई मेरी सुनाई नहीं हो रही। क्या नाम था आपके लड़के का? तस्वर नाम था जी मेरे लड़के का। किसने बुलाया था उसको? उसने एक लड़की ने बुलाया था जो हमारे गाँव में है लड़की, उसका नाम वसीमा है जी। उसने बिजली फिटिंग का काम करता था मेरा लड़का, उसी बहाने सिर्फ बुलाया था जी। और आज तक मेरे लड़के को सुराग नहीं है, उन पर से मेरे लड़का मोबाइल भी मिल गया, पुलिस ने मोबाइल बरामद भी कर लिया, वे लड़कों को एक बार पुलिस पकड़ कर ले गई थी। नाम दर्ज जी, एक तो उमर मोहम्मद है, एक तालिब है, एक हकीम है, एक मुसाइद है, एक मुजाहिद है, और जी एक इरशाद है, एक वसीमा है। तो कई लोगों के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, किसी को पुलिस ठा नहीं रही, ना पुलिस किसी कुछ कह रही। थाना का मामला थाना में? थाना शाहपुर का जी मामला है। अच्छा, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप एसएसपी साहब के पास पहुंचे, क्या आश्वासन मिला आपको? एसएसपी साहब ने जी डीएम के, उसके तहसीलदार के यहाँ लिख दिया जी, सीओ के साहब, सीओ साहब के यहाँ लिख दिया, एसएसपी साहब ने सीओ के यहाँ लिख दिया जी। अब ये कह रहे थे सीओ तो मिल लियो, जैसा भी होगा वे करेंगे। ठीक है।